77वीं जश्न आज़ादी TDCP के ज़ेर एहतमाम साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। रैली लिबर्टी से शुरू होकर ग्लोबल विलेज पर एहतमाम पजीर हुई। साइकिल रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सामे सईद से मजीद जानते हैं। बिल्कुल, डबल डेकर बस सर्विस की जानिब से आज लिबर्टी चौक से जो है वो रैली का एहतमाम किया गया। लिबर्टी से लेकर ये रैली जो है वो ग्लोबल विलेज जाकर इख्तिताम पजीर हुई है। यहाँ पर हर अफराद के जो बच्चे हैं उन्होंने भी शिरकत की है और यहाँ पर जो है वो कसीर तादाद एक लोगों की देखी जा रही है जिन्होंने आज साइकिल रैली में भरपूर हिस्सा लिया है। जश्न आज़ादी की मुनासबत से ये रैली का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, आज जश्न आज़ादी का दिन है, साइकिल रैली से आपने जो है वो अपनी आजादी का दिन शुरू किया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इट्स वेरी हेल्दी इनिशिएटिव और इसको प्रमोट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ के आप रोड्स पर निकलें, वाजब जाएं या डिफरेंट एक्टिविटीज करें, इस हेल्दी एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए। अपनी आने वाली जनरेशन के लिए प्राण लगाएं और पाकिस्तान के लिए खूब दुआएं करें। अल्लाह उनको पाकिस्तान को तरक्की दे, इसी तरह पलता बोलता रहे पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो दुआएं भी की जा रही हैं। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइए, आज साइकिल रैली का एहतमाम किया गया था, जश्न आज़ादी के दिन आपने शिरकत की है, क्या कहेंगे? जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तान के इलाके एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन बड़ा ज्यादा हो रहा है, तो साइकिलिंग का जो कल्चर है वो आम करना चाहिए। इसमें बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटीज है, कोई पोल्यूशन नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी होती है, सिंपल साइकिल्स भी हैं। तो अगर हम अपने बच्चों में और नौजवान में साइकिलिंग का कल्चर इनिशिएट करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आने वाली जनरेशन में जो है वो साइकिलिंग का जो है वो ट्रेंड लेकर आना चाहिए, एक हेल्दी एक्टिविटीज को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। जश्न आजादी के हवाले से यहाँ पर लोग यही पैगाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने माहौल को जो है वो साफ रखना और ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। जी शुक्रिया साम्या।